मैंने बेटा मैंने पापा के हाथ देखे, और पापा के हाथ देखे ना मतलब मेरे हाथ और उनके हाथ, मेरा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसा लग रहा है किसी बेबी का हाथ है, और उनका हाथ मैं देख रहा हूँ तो एकदम फोड़े फोड़े पड़े हुए हैं। वो देख के है ना एकदम दिल सा छल्ली सा हो गया। मैंने कहा तू कर क्या रहा है यार, ये बता पहले। अपना सारा सुख त्याग चैन सब त्याग करके आपके लिए कर रहे हैं, सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, और आप क्या कर रहे हो, बढ़िया से इसी में बैठ के वेब सीरीज निपटा रहे हैं। हमेशा भगवान से चाहूंगा कि आपका सिलेक्शन हो, लेकिन आपसे अगर कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है तो फिर वो नौकरी आपको क्यों मिलेगी यार? और आपको क्या लगता है, आप बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मुझे भी लगता था यार, मैंने भी जब है ना रूम लेके मैं रह रहा था, ठीक है, आराम से बहुत बढ़िया, एक महीना तो मेरा ऐसा है ना जीवन में इतनी रही है, क्योंकि जब ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था तो बढ़िया से 2-4 हज़ार रुपये मुझे मिलने शुरू हो गए। एक महीने मेरे अंदर भी घमंड आया था, ठीक है, बड़ा एटीट्यूड सा आने लगा एकदम। 5 हज़ार रुपये एक बार हमको ट्यूशन मिल गया, एक बच्चे को 1 घंटे पढ़ाने का 5 हज़ार रुपये हमको मिला, बड़ा बढ़िया से एकदम। और रोज़ शाम को बढ़िया बढ़िया सब्जी वब्जी लेके आएंगे, बर्गर वर्गर लेके आएंगे, खाना खाएंगे, आराम से वेब सीरीज़ निपटा रहे होंगे। आज मेरे भाई ये वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कल हम किसी और वेब सीरीज़ देख रहे हैं, एकदम एक ख़त्म करके दूसरा। हॉलीवुड मूवी का तो हमको ऐसा मतलब चस्का चढ़ा था ना कि पूछो मत, नशा आ गया एकदम, ठीक है, कि आज मेरे भाई जो है मिशन इम्पॉसिबल 1 देखना है, फिर 2 देखना है, फिर GI जो रिटेलिएशन देखना है, फिर ये देखना है, और देखते 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 पता चल रहा है 1 महीना यूँ निकल गया, पता ही नहीं चला। सुबह से शाम मूवी देख रहे हैं, लाइब्रेरी में भी जाके वहाँ भी, यहाँ पर वाईफाई का पूरा फ़ायदा उठा के देख रहे हैं। तो धीरे धीरे ना इंसान ख़त्म होता है, उसको पता नहीं चलता है। कई बार है ना उसको ऐसे कोई पकड़ के ऐसे हिला दे, ओ भाई ओ क्या कर रहा है, ये बता पहले चाहता क्या है, इससे भविष्य हो जाएगा क्या। तो मेरा है ना तब आँख नहीं खुला, फिर उसके बाद है ना 1 महीना तक मेरा ऐसे ही सीन चलता रहा। फिर मैं घर पे गया, और घर पे गया ना तो घर पे गया तो मेरे मम्मी पापा ऐसे थे, इतने खुददार इंसान आज भी हैं, ठीक है, वो मुझे कहाँ से पैसे अरेंज करके भेजते थे ना ये पता ही नहीं चलता था, हालांकि मैं बहुत कम पैसे में मंगाता था, भाई बहन के पढ़ाई में मेरे लग जाते थे। तो मैं जब घर पे गया ना, तो घर पे गया तो मतलब मैं पापा खेत में काम कर रहे थे, तो रात में जब आए वहाँ पे तो हम खाने पे बैठे, खाने पे बैठे मैंने पापा के हाथ देखे, और पापा के हाथ देखे ना मतलब मेरे हाथ और उनके हाथ, मेरा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसा लग रहा है किसी बेबी का हाथ है, और उनका हाथ मैं देख रहा हूँ तो एकदम फोड़े फोड़े पड़े हुए हैं। वो देख के है ना एकदम दिल सा छल्ली सा हो गया। मैंने कहा तू कर क्या रहा है यार, ये बता पहले। मूवी देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, आपको पता है आज आप जिस लाइब्रेरी में बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, जहाँ पर भी बैठे हो ना, आपको एसी की हवा मिल रही होगी। अपने माँ बाप को ज़रा देखना, ये पंखे के लिए भी तरस रहे होंगे। अगर एक अभी उनको कूलर भी खरीदना होगा ना तो उसके लिए भी सोच रहे होंगे यार कूलर महंगा आएगा, उसका बिजली बिल कितना महंगा आएगा, इससे बढ़िया इतना पैसे हम बच्चे को भेज देते हैं, वो जो है ना अपने लिए दूध जो है वो खरीद लेगा, अपने लिए बढ़िया सब्जी खरीद लेगा, उससे वो पढ़ाई करेगा। वो अपना सारा सुख त्याग चैन सब त्याग करके आपके लिए कर रहे हैं, सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, बढ़िया से इसी में बैठ के वेब सीरीज़ निपटा रहे हैं। कैसे चलेगा भाई काम बताओ। तुम्हारी एक एक सेकंड की यहाँ जो कीमत है ना, तुम जो यहाँ पानी भी पी रहे हो, यूँ समझ लो किसी ने अपने रक्त से खेत को सींचा है, पैसे कमाए हैं, खून पसीने की वो कमाई तुम्हारे अकाउंट में डालता है, और तब जाके ATM से लगा के पैसा निकालते हो, अपना किराया देते हो, अपना सारा खाना देते हो और सब देते हो, और तब तुम्हारा उससे खर्चा चलता है। तो उनके लिए बड़ा दुख होता है, IPL आएगा, हाँ कौन जीता, तो भैया मुंबई इंडियंस जीती, वुमेन प्रीमियर लीग चल रहा है, मज़ा आ रहा है, कौन किसके टीम में गया पूरा एकदम। क्रिटिक देखोगे भाई, ये मूवी आ रही है उसकी क्रिटिक कैसे, क्या मतलब यार तुम्हारे इन काम से, कुछ थोड़ा सा ज़िंदगी जियो ना, अच्छा जीने का सोचो, थोड़ा बढ़िया जीने का सोचो, थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ने का सोचो। तुम्हारे सपने नहीं होते हैं क्या, मन नहीं करता है क्या कभी, या हमेशा माँ बाप को कष्ट दिया और आगे भी कष्ट ही देना चाहते हो? ये नहीं, हम तो नालायक ही पैदा हुए थे, हम आपसे लेने आए हैं, आपको कुछ देने नहीं आए, आपकी इच्छाओं का सब गला घोटने आए हैं। कुछ तो सोचो ना उनके लिए।